हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज है पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन। तो पिछले वीडियो में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, यूटिलाइजेशन ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो उसका जो लास्ट पार्ट है वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मेनली हमने ये सब जो चीज़ है ये सब हमने डिस्कस कर दिया है, और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट लीव्स। तो ये कंटिन्यूएशन है पिछले वीडियो का। तो पहले आपको पार्ट वन देखना पड़ेगा, उसके बाद आप ये देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो लीव्स मेनली हम कैसे यूज़ करते हैं, इसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है। लीव्स ऑफ ट्रीज आर यूज्ड फॉर फूडर, लिटर एंड मैन्योर, थैचिंग, टैनिंग एंड डाइंग एंड मिसलेनियस यूज। तो मेनली एज ए फूड ये लीव यूज होता है, एंड और भी बहुत काम के लिए, जैसे डाइंग के लिए, टैनिंग के लिए, टैनिंग हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, इन सब काम के लिए लीव्स यूज होता है। कॉर्डस फाइबर, जो फाइबर होता है मेनली जूट से निकलता है जो फाइबर, उससे हम रोप मेकिंग करते हैं। रोप इस तरह का चीज़ें जो है, रस्सी टाइप का चीज़ें, ये सब हम उससे मेक करते हैं। लीव्स एंड लीव स्टॉक, इससे हम क्या बनाते हैं, मैट, फैन, बास्केट मेकिंग। तो जो हैंड फैन होता है समर के टाइम में यूज़ करते हैं, तो वो सब लीव्स से ही बनते हैं। लीव्स फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला बनाने के लिए भी, कप्स, प्लेट मेकिंग, ये सब काम के लिए भी ये यूज़ होता है। लीव्स फॉर ऑयल स्टिमुलेंट, मेडिसिन, एम्ब्रोकेशन, सोप, डिसइनफेक्टेंट, इंसेक्ट रिपेलेंट, ये सब काम के लिए लीव्स यूज होता है। तो लीव्स का यूटिलाइजेशन आपको समझ में आ गया, मेनली फूडर, लीटर, टैनिंग, डाइंग, इस सब काम के लिए, खाने के लिए ऑब्वियसली यूज होता है। फाइबर टाइप का जो लीव्स होता है वो रोप मेकिंग के लिए यूज होता है, और भी लीव्स, मैट, फैन, बास्केट, ये सब बनाने के लिए यूज होता है। अम्ब्रेला, कप बनाने के लिए, प्लेट बनाने के लिए, ऑयल पर्पस, ये सब काम के लिए ये यूज होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। तो फॉरेस्ट से सबसे इम्पॉर्टेंट नॉन टिम्बर जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है वो फ्लावर, फ्रूट्स तो होंगे ही। फ्रूट्स हम खाने के लिए ऑब्वियसली यूज करते हैं, सीड भी बहुत सारे काम के लिए यूज होता है। तो फ्लावर मेनली कौन से काम के लिए यूज होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ परफ्यूम सेंटेड ऑयल। तो परफ्यूम बनाने के लिए जो सेंटेड जो ऑयल हम यूज करते हैं वो हम फ्लावर से लेते हैं, क्योंकि फ्लावर में बहुत सारे अलग अलग सेंट वाला फ्लावर होता है, उससे हम ये परफ्यूम बनाते हैं। सीड्स किस काम के लिए यूज होता है, ऑयल फॉर कुकिंग, लाइटिंग, बर्निंग एंड सोप मेकिंग, मेडिसिन फॉर स्किन डिजीज, टॉनिक, लुब्रिकेटिंग द मशीन, वैक्स फॉर कैंडल मेकिंग, इस सब काम के लिए सीड यूज होता है। तो और क्या है, टागुआ नट, ये क्या है, अ फ्रूट ऑफ ए ट्रॉपिकल पाम ट्री। टागुआ नट इज ए फ्रूट ऑफ ए ट्रॉपिकल पाम ट्री, इज ऑल्सो नोन एज वेजिटेबल आइवरी, यूज टू मेक बटन्स। बटन्स बनाने के लिए जो यूज होता है, ज्वेलरी बनाने के लिए यूज होता है, कर्विंग्स एंड अदर आर्ट्स एंड क्राफ्ट एक्टिविटी। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए हम जो बटन टाइप के जो बहुत सारे ऐसे चमकीले चीज़ें यूज करते हैं, तो वो सब ये टागुआ नट से यूज होता है। ये अ फ्रूट ऑफ ए ट्रॉपिकल पाम, तो ये बटन बनाने के काम के भी यूज होता है। तो फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये सब किस किस काम के लिए यूज होता है आपको समझ में आ गया। इसको छोड़ के फ्रूट और भी जो सब फ्रूट से खाने के लिए तो यूज होता ही है, मतलब वो नेसेसरी यूज है, उसको उसके बाद इस सब काम के लिए ये यूज होता है। नेक्स्ट क्या है, फाइबर। तो यल्डिंग फ्रूट, फ्लॉसेस और सिल्क कॉटन, यूज्ड फॉर स्टफिंग पिलोस, ऑब्टेन फ्रॉम कोचिलोस्पर्मम, गॉसिपियम, बॉम्बैक्स, सेबिया, ये सब जो फ्रूट्स है इनसे हम ये सिल्क टाइप का जो कॉटन का जो कपड़े होता है, पिलो होता है, हम यूज करते हैं। पिलो के अंदर स्टफिंग भरने के लिए जो कॉटन होता है हम यूज करते हैं, तो इससे हमको आता है वो। कॉयर फाइबर लार्जली यूज्ड फॉर रोप्स मैट बनाने के लिए भी यूज होता है, एंड अदर पर्पस ऑब्वियसली। तो आई थिंक ये पार्ट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, मिसलेनियस यूज फॉर फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। तो फ्लावर, फ्रूट एंड सीड का एक तरीके का यूज हमने डिस्कस कर दिया है, उसको छोड़ के और कौन कौन से काम के लिए यूज होता है। ड्रग्स बनाने के लिए, जैसे टॉनिक, फेब्रिफ्यूग, पार्गेटिव, लग्जेटिव, एंटी डाइसेंट्री, ये सब काम के लिए एज ए ड्रग वो यूज होता है। एंड कार्डमम्स मेनली एरोमेटिक ड्रग। स्पाइसेस बनाने के लिए कार्डमम एज ए स्पाइसेस हम यूज करते हैं। फ्लावर हेड जैसे एरिड यूज्ड एज अ स्टिमुलेंट। फिश पॉइजन्स,
सोप नट यूज एज सब्स्टिट्यूट फॉर सोप, इन सब काम के लिए यूज होता है। फ्रूट पल्प भी यूज होता है, जैसे विसेट पल्प यूज एज गम इन बुक बाइंडिंग, तो बुक बाइंडिंग के लिए हम जो गम यूज करते हैं वो भी हमको फॉरेस्ट से ही मिलता है। मार्किंग नट फ्री, जो कोरोसिव जूस यूज एज मार्किंग इंक, तो मार्किंग करने के लिए जो हम इंक पेन का जो कलर हम यूज करते हैं वो भी फॉरेस्ट से ही मिलता है। तो मिसलेनियस यूज बहुत सारे काम के लिए जो यूज होता है, फ्लावर हेड, फ्रूट पल्प, आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एक्जूटेड प्रोडक्ट, अ लिक्विड और सेमी लिक्विड स्टेट। जो एक्जूटेड प्रोडक्ट होता है वो लिक्विड फॉर्म में भी होता है, सेमी लिक्विड फॉर्म में भी होता है। तो ये सब बहुत सारे काम के लिए यूज होता है, जैसे फॉर्म नेचुरल और कट सर्फेस ऑफ स्टेम और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो नेचुरली ये यूज होता है, और कोई एक पेड़ को अगर कट करोगे तो उसके अंदर से भी वो निकलता है, ऐसे भी वो आता है। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है गम्स और एक है रेजिन्स। ठीक है, तो पहले देखते हैं गम्स किस किस काम के लिए यूज होता है। गम इज ए मोर ऑर लेस विस्कोसस सब्सटेंस व्हिच एक्सुड्स फ्रॉम क्रैक और वुंड्स इन द बार्क ऑफ मेनी ट्री। तो जो सब ट्री है उनका जो वुंडेड एरिया है और उसको अगर कट करोगे तो उसी जगह से जो निकलेगा तो उसको हम गम कहते हैं। तो ये सभी ट्री के लिए नहीं है, जो जो ट्री में होता है उस ट्री के लिए ही है। एंड शार्व एंड क्लाइंबर, इन सब से भी ये गम्स आता है। इट इज़ अ डिग्रेडेड प्रोडक्ट ऑफ सेल वेल, तो ये मेनली डिग्रेडेड प्रोडक्ट है, जो पेड़ है उसका जो एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट होता है, डिग्रेडेड जो प्रोडक्ट होता है वही है मेनली गम, जिसको वो अपने बॉडी से फेंकना चाहता है पेड़, मतलब तो उसको हम गम कहते हैं। गम्स आर लार्जली यूज एज मार्किलेज इन क्लोथ, कैलिको प्रिंटिंग, डाइंग, साइजिंग पेपर, शू मेकिंग, मेडिसिन, वाटर कलर, पेंट, कास्ट मार्क्स, डाइंग, सिल्क इंसेक्ट्स, बहुत सारे काम के लिए ये गम्स यूज होता है। तो गम्स मेनली डिग्रेडेड प्रोडक्ट ऑफ अ ट्री, मतलब ट्री जिसको अपने बॉडी से निकल के फेंकना चाहते हैं, ऐसा एक प्रोडक्ट वो भी हम अपने काम के लिए यूज करते हैं, जो एक्सुडेड प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रेजिन। लाइक गम्स आर डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ द सेल ऑयल बट ऑल्सो ऑकर एज डेरिवेटिव्स ऑफ स्टार्च। रेजिन फ्रॉम पाइन्स एंड डिप्टेरोकार्प्स इज एक्सट्रैक्टेड कॉमर्शियली। तो रेजिन मेनली कॉमर्शियल पर्पज यूज होता है, इनसॉल्युएबल इन वाटर, वाटर में ये सॉल्युएबल नहीं है बट एल्कोहल में ये सॉल्युएबल है। दे आर इनफ्लेमेबल, मतलब इससे बहुत ज़रा आग नहीं निकलता है बट जो फ्लेम होता है, जैसे धुआं होता है ऐसे वो निकलते हैं, जैसे स्मोकी फ्लेम जैसे होता है, जैसे अगरबत्ती से होता है तो ऐसा स्मोकी फ्लेम इनसे निकलता है। डिवाइडेड इनटू थ्री क्लास, जैसे एक है ट्रू रेजिन जो हार्ड और सॉफ्ट दो ही हो सकते हैं, गम रेजिन जो कंटेन ए गम सॉल्युएबल इन वाटर, जो एक गम टाइप का होता है एंड सॉल्युएबल इन वाटर होता है। एंड ओलियो रेजिन कंटेनिंग एंड एसेंशियल ऑयल, मेनली एक ऑयल जिसमें होता है जिसको हम ओलियो रेजिन कहते हैं। तो रेजिन मेनली क्या है? ये फ्रॉम पाइन्स एंड डिप्टेरोकार्प्स एक्सट्रैक्ट होता है एंड कॉमर्शियली ये यूज होता है। वाटर में इनसॉल्युएबल एंड बट अल्कोहल में ये सॉल्युएबल होता है, ये इनफ्लेमेबल है एंड स्मोकी टाइप का फ्लेम होता है, मतलब आग नहीं निकलता है बट स्मोक निकलता है इससे। तो ट्रू रेजिन, इसको थ्री पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक ट्रू रेजिन, एक गम रेजिन, एक ओलियो रेजिन। ट्रू रेजिन है हार्ड और सॉफ्ट टाइप का, गम रेजिन कंटेन गम होता है एंड ओलियो रेजिन जिसमें एसेंशियल ऑयल होता है। अब हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा चीज जिसको हम कहते हैं काउट क्वाक गुट्टा पार्चा। ये क्या है? ये मेनली एक हाइड्रोकार्बन है, मिल्की लैटेक्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, एक मिल्की टाइप का प्रोडक्ट जो एक प्लांट से निकलता है। तो वो मेनली रॉ मटेरियल फॉर रबर प्रोडक्शन, रबर बनाने के लिए एज ए रॉ मटेरियल ये यूज होता है। नेक्स्ट क्या है? सुगड़ी साप, यील्डेड बाय वेरियस स्पीसीज ऑफ पाम, कोकोनट पाम, टोडी पाम, सागो पाम, ये सब जो ट्री है इन सब से ये सुगड़ी साप जो है ये आते हैं। सब कॉन्टेंट फ्रॉम दिस पाम इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, मेनली ड्रिंकिंग पर्पज यूज होता है, जो कोकोनट से जो सुगरी जो जैसे वाटरी चीज जो निकलता है वो भी हम एज ए ड्रिंक यूज करते हैं। विनीगर इज ऑल्सो मेड फ्रॉम द फर्मेंटेड सैप, तो विनीगर भी इससे बनता है, जो सुगरी सैप, इन सब बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिससे निकलता है तो उससे विनीगर भी बनता है।
जूस इज लार्जली एम्प्लॉयड फॉर बॉइलिंग डाउन इंटू रॉ शुगर लाइक जैगरी और गुड़ फर्दर रिफाइंड इंटू शुगर. तो शुगर बनाने के लिए भी ये यूज होता है, जो जैगरी गुड़ हम यूज करते हैं. तो डेट्स जो ट्री होता है उससे जो शुगरी स्टफ निकलता है तो उससे हम जैगरी और गुड़ बनाते हैं. उसको रिफाइन करने के बाद उसको हम शुगर में ट्रांसफ़र करते हैं, शुगर भी बनाते हैं. तो शुगरी सब जो है ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए यूज़ होता है. मेनली स्पीसीज ऑफ पाम है, कोकोनट पाम, टोडी पाम, सागो पाम, ऐसे बहुत सारे प्लांट है जिससे ये निकलता है. एज ए ड्रिंक हम यूज़ करते हैं, एज ए जूस यूज़ करते हैं, एंड उसको शुगर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, विनीगर बनाने के लिए यूज़ करते हैं. तो बहुत सारे काम के लिए ये यूज़ होता है. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एनिमल प्रोडक्ट. तो अब तक तो हमने पूरा जो प्लांट कम्युनिटी है, प्लांट का बहुत सारे पार्ट जैसे लीव्स, फ्रूट, उसका पेड़, उसका बार्क, उसके अंदर का जो स्टेम है वो, उससे जो शुगर निकलता है, जो लिक्विड चीज़ निकलता है, जो भी उससे होता है एज फ्रॉम प्लांट से क्या क्या हम यूज़ करते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं, वो हमने डिस्कस किया. अब हम डिस्कस करेंगे एनिमल प्रोडक्ट से जो भी फॉरेस्ट से ही मिलता है, फॉरेस्ट में रहते हैं जो सब एनिमल, उससे जो सब चीज़ हम यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग हंटिंग, फिशिंग, इंसेक्ट, सभी है इसमें. तो हंट करके जो एनिमल लेके जाते हैं उसको भी हम यूज़ ही करते हैं कहीं ना कहीं पर्पस, तो वो भी यूटिलाइजेशन के अंदर ही होगा. तो इम्पॉर्टेंट एनिमल प्रोडक्ट मेनली क्या क्या है? एक है लैक, सिल्क, हनी एंड वैक्स, हाइड्स, हॉर्न्स, बोन्स एंड आइवरी, एंड इसके साथ साथ हंटिंग, फिशिंग, एलिफेंट कैचिंग, इंसेक्ट रेंजिंग, ये सभी इसके अंदर इंक्लूडेड है. जैसे लैक, कमर्शियली इट इज़ नोन एज शीलैक, बीइंग यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ भार्निसेस, सीमेंट बनाने के लिए, सीलिंग वैक्स, लैकवेयर वर्क, लिथोग्राफिक इंक, ये सब बनाने के लिए लैक जो ही यूज होता है. तो इसका भी बहुत सारा यूजेस है. सिल्क बहुत सारे काम के लिए यूज होता है, जैसे फेवरस सब्सटेंस फ्रॉम द कोकन्स ऑफ वेरियस मॉथ से ये मेनली आता है. इसको हम सिल्क ओम कहते हैं. ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है डोमेस्टिकेटेड और मलबेरी फीडिंग, वाइल्ड और नॉन मलबेरी फीडिंग सिल्क ओम्स. तो ये मेनली जो मॉथ होता है उससे उसका जो सब्सटेंस है वो ही एज ए सिल्क हम यूज करते हैं. हनी एंड वैक्स के लिए क्या है? प्रोड्यूस्ड बाय मेनी डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बीज, मेनली बीज से ही ये प्रोड्यूस होता है हनी. हनी इज यूज्ड एज ए फूड एंड मेडिसिन, ऑब्वियसली एज ए फूड हम यूज करते हैं एंड मेडिसिन के पर्पस भी हम इसको यूज करते हैं. एंड वैक्स किस काम के लिए यूज होता है? फॉर मेकिंग कैंडल, पॉलिशिंग वुडन फ्लोर, इस सब काम के लिए हम वैक्स यूज करते हैं, मेनली कैंडल मेकिंग के लिए. तो अब तक एनिमल प्रोडक्ट में हमने दो डिस्कस किया, एक है लैक जो बहुत सारे काम के लिए, जैसे भार्निश, सीमेंट बनाने के लिए यूज होता है, सिल्क जो आते हैं मॉथ से जिसको हम बहुत सारे काम के लिए सिल्क यूज करते हैं, एंड हनी एंड वैक्स जो भी एक बी से प्रोड्यूस होता है वो भी एज ए फूड, मेडिसिन, कैंडल बनाने के लिए, पॉलिशिंग के लिए, वुड पॉलिशिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हाइड्स, हॉर्न्स, बोन्स एंड आइवरी. हाइड्स आर यूज्ड एज लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट. तो लेदर प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज होता है. हॉर्न जो है वो मेनली मैन्युफैक्चर ऑफ कोम्ब, बटन, ड्रिंकिंग कप, ये सब बनाने के लिए यूज होता है. एंटलर्स ऑफ डियर आर यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द हैंडल ऑफ नाइफ्स. तो नाइफ्स का जो हैंडल होता है वो हम एंटलर्स ऑफ डियर से यूज करते हैं. स्टिक्स एंड अम्ब्रेला, ये सब बनाने के पर्पस वो यूज होता है. आइवरी ऑब्टेन फ्रॉम द टास्क ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट से वो बनता है. कॉन्सिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट क्वालिटी फैंसी मटेरियल, ये मेनली एक्सपोर्ट होता है बाहर. बोन्स आर यूज एज बोन मील फॉर मैन्योर, नाइफ हैंडल, बटन, ये सब बनाने के लिए बोन्स भी यूज होता है. तो इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंट यूटिलाइजेशन है, जैसे हाइड्स फॉर लेदर प्रोडक्ट बनाने के लिए, हॉर्न मेनली कॉम्ब्स एंड ड्रिंकिंग कप, एंटलर ऑफ डियर जो है नाइफ्स बनाने के लिए, नाइफ का जो स्टिक होता है वो बनाने के लिए, आइवरी जो है वो एलिफेंट टास्क से बनते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है. बोन्स से हम बटन, नाइफ हैंडल, ये सब बनाते हैं. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मिसलेनियस एनिमल प्रोडक्ट. तो अब तक तो बहुत सारे हमने डिस्कस किया उसको छोड़ के, और जो जो है वो क्या क्या है. एक है हनी ड्यू शेल, यूज डीन मेटल च्यूइंग, इस काम के लिए यूज होता है. बैट्स गुआनो, यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ शालपेटर.
एडिबल बर्ड्स नेस्ट आर मच प्राइज्ड बाय द चाइनीज एज एन आर्टिकल ऑफ फूड, ये यूज होता है. हंटिंग गेम एनिमल, हम गेम पर्पस बहुत सारे एनिमल को हंट करते हैं फॉरेस्ट से, जो सर्कस करने के लिए और भी बहुत सारे पर्पस उसको रखने के लिए यूज करने के लिए हम हंट करके लेके आते हैं. तो उसमें क्या क्या है, कार्निवोरा एंड हर्बीवोरा, उसके लिए है गोट, डियर, वाइल्ड बियर, हेयर, ये सब. गेम बार्ड, बार्ड के लिए हम जैसे पीजेंट एंड फोल ग्रुप, पार्टी डेज एंड क्वेल्स ग्रुप, डॉव्स एंड पीजियन ग्रुप, ये सब भी गेम के लिए पर्पस यूज होता है ये सब बार्ड. ये मेरी टेरिस्टोरियल बार्ड है. एक्वाटिक बार्ड के अंदर है डक्स, टील्स, गूस, क्रेन, ये सब है एक्वाटिक बार्ड्स के अंदर. एनिमल और भी बहुत सारे, जैसे फिशिंग पर्पस हम यूज करते हैं, फिशिंग में मेनली रिवर में, फॉरेस्ट में बहुत सारे रिवर तो बहते ही है उसके अंदर से, तो अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे फिशिंग का. एलिफेंट कैचिंग, एलिफेंट को भी हम कैच करके लेके जाते हैं एंड उसको ट्रेन करते हैं, फिर सर्कस में उसको उसको दे के खिलाते हैं एंड फिर वो एक्सपोर्ट भी होता है. जैसे कैप्चर ऑफ वाइल्ड एनिमल फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग देम टू वर्क इन कैप्टिविटी इज कैरिड ऑन इन मेनी कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका. ये मेनली एशिया एंड अफ्रीका के मेनी कंट्री में ये होता है. इंसेक्ट रैंचिंग, ये भी होता है. जैसे बटरफ्लाई एक बहुत ही खूबसूरत इंसेक्ट है जो हम वर्ल्ड ट्रेड के पर्पस यूज करते हैं, इसको एक्सपोर्ट होता है ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है. जैसे मिनरल प्रोडक्ट में हम क्या क्या इससे मिलता है, जैसे जिसमें भी कलेक्टेड बाय माइनिंग, क्वेरिंग, कलेक्टिंग ऑफ लैंड कवर विथ ट्री ग्रोथ, जो सब बहुत सारे मिनरल प्रोडक्ट होता है वो भी हमको फॉरेस्ट से मिलता है. तो एनिमल प्रोडक्ट में मेनली हमने क्या क्या देखा, एक तो है हाइड, सॉन, बोन्स, आइवरीज का हमने डिस्कस कर दिया, हनी, वैक्स, सिल्क, ये सब लैक. उसके बाद मिसलेनियस प्रोडक्ट में हंटिंग गेम एनिमल, बहुत सारे गेम के पर्पस ये सब एनिमल जो है मेनली हंट करके हम लेके जाते हैं. जैसे बर्ड, इसका भी अलग अलग सा गेम होता है. एलिफेंट, इंसेक्ट एंड और भी बहुत सारे मिनरल भी हमको फॉरेस्ट से मिलता है. नेक्स्ट क्या है, मिसलेनियस माइनर प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ऑर्किड एंड मशरूम. तो ऑर्किड एंड मशरूम रिलेटेड प्रोडक्ट जो हम किस किस काम के लिए यूज करते हैं, दिस इंक्लूड सर्टेन स्पीसीज ऑफ एडिबल फंगी. एक मेनली फंगस है मशरूम, जो लीचेन, सोडा कार्बोनेट, पर्ल एस, ये सब जो है ये मेनली फंगी होता है. मशरूम मेनली एक्सपोर्ट होता है, ये एज ए फूड यूज होता है एंड बहुत इसका गुड प्राइस में ये बहुत सारे कंट्री में एक्सपोर्ट होता है. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑफ मशरूम इज ए थ्राइविंग एंटरप्राइज इन जापान में ये बहुत चलता है. एंड शीटेक मशरूम ऑकर नेचुरली इन पीएनजी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया, इन सब जगह में ये शीटेक जो मशरूम है ये नेचुरली ही उधर बनते हैं. लीचन, ये मेनली मेडिक्लिनली यूज होता है, मेडिसिन पर्पस लीचन यूज होता है. बारीला, इट इज अ कार्बोनेट ऑफ सोडा ऑब्टेन फ्रॉम द एशेस ऑफ सर्टेन सैलाइन प्लांट. जो सैलाइन, बहुत सारे ऐसे प्लांट होता है सैलाइन लैंड में बनते हैं, तो उससे ये निकलता है. ये भी बहुत सारे काम के लिए यूज होता है, कार्बोनेट ऑफ सोडा है मेनली ये. पर्ल एस जो है, इट इज अ फॉर्म ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, ये पर्ल एस ऑब्टेन फ्रॉम द एसेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, ये भी है. ऑर्किड, इट इज अ फ्लावर आर इन ग्रेट डिमांड इन वेस्टर्न कंट्री. वेस्टर्न कंट्री में ऑर्किड जो फ्लावर है इसका बहुत डिमांड है एंड बहुत प्राइसी है ये फ्लावर, तो ये एक्सपोर्ट मार्केट के लिए बहुत ही यूजफुल है. ये एक्सपोर्ट होता है बाहर के कंट्री में एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस भी है. तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट में क्या क्या है, आपको उसका यूटिलाइजेशन क्या क्या है आपको समझ में आ गया. तो दो वीडियो में हमने सिर्फ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन डिस्कस किया है, मतलब टिम्बर, वुड, इसको छोड़ के जो सब फॉरेस्ट से हमको मिलता है, जैसे एनिमल प्रोडक्ट जो जो मिलता है, फ्रूट्स, सीड, लीव्स एंड बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बॉम्बू हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, ग्रासेस, ये सब चीज़ सबसे जो जो यूटिलाइजेशन हो सकता है सब हमने डिस्कस कर दिया है. इसके बाद हम जो मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है मेनली वुड एंड टिम्बर, उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है वो हम डिस्कस करेंगे. तो आई थिंक ये पार्ट आपको समझ में आ गया, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट दोनों मिला के आपको इसको पढ़ना है, तब जाके पूरा क्वेश्चन मतलब पूरा आंसर आपको मिलेगा. तो इस पार्ट से अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं. अगर आप चाहते हो कि कोई टॉपिक हम डिस्कस करें तो आप वो टॉपिक हमको कमेंट सेक्शन में बताएं, हम डिस्कस करेंगे. इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी. मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू.